Vice Bamang Felix, Honorable Minister Home, in presence of Sabha Chatterjee, Honorable Minister Education, Arunachal Pradesh, and Sri Bartho Saha, General Manager, NABARD. This program is being implemented by NARMA, that is the Natural Resource Management Agency of Arunachal Pradesh, and the program is funded by NABARD. Thank you. तो सर आज के ये विजिट के पर्पस में थोड़ा बता दीजिए। ये जो आज का विजिट था बेसिकली इट इज जस्ट अ सेरेमोनियल बिगिनिंग बट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। लोगों को तैयार करना इस प्रोजेक्ट के लिए। ये जो स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट ऑन वाटरशेड बेसिस, ये वाटरशेड बेसिस यानी वाटरशेड क्या होता है कि पानी अपना लेवल ढूंढता है अलग अलग जगह से, वो जहां पे भी उसको नियरेस्ट जो पाथ मिलेगा नीचे तक पहुंचने के लिए वो ढूंढता है। और हमारा काम क्या होगा, उसको चैनलाइज करना एक तरफ ताकि उस पानी को इकट्ठा करके इधर उसको अपने यूज़ में लाओ, या वो पहाड़ पे क्या है पानी गिरता है बहुत स्पीड से नीचे चला जाता है तो रुकता नहीं है, वेस्ट हो जाता है, वापस नदी में समुन्द्र में चला जाता है। तो यहाँ प्रोजेक्ट में आगे क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे कि वाटर की स्पीड को कम करना है, तो बीच में कॉन्टूअर बंडिंग होगा, गलीज होंगे, टेरेसिंग होगा, तो उससे क्या होगा पानी का स्पीड रुक जाएगा तो वो साथ में जो मिट्टी को लेके चला जाता है, मिट्टी का जो टॉप सॉयल होता है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल, जिसमें आपके पत्ते गिरते हैं, जो चिड़िया का जो बीट होता है वो गिरता है, तो वो बहुत उसमें वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है। एंड अरुणाचल इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्गेनिक कल्टिवेशन, तो अगर वो सॉयल को टॉप सॉयल को हम प्रिजर्व करेंगे तो हमको अलग से ये DAP यूरिया ये सब डालने का ज़रूरत ही नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात जो NABARD का जो ये इंटरवेंशन है उसमें क्या होता है, आवर एम्फेसिस इज ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी लोगों की सहभागिता। ये नहीं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट ये जो काम दिया है कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी जो है हमने एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी को दिया है जो इस चीज़ को समझता है, हमने किसी ठेकेदार को नहीं दिया है। हम अगर कॉन्ट्रैक्टर को देते तो वो मेजरमेंट करता है कि हमने इतने गलीज बना दिए, इतने पिट्स बना दिए, इतना लेवलिंग कर दिया, इतना स्क्वायर मीटर इतना क्यूबिक मीटर हम लोगों का काम हुआ, इसका ये पेमेंट बिल दे देगा। नहीं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, जो इस समस्या को समझते हैं, पानी जब चला जाता है पूरा बह के वेस्ट हो जाता है और उसके बाद गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज की तारीख में ये है, जब पेड़ कम होते जाएंगे, जब मॉइस्चर रेनफॉल पूरे वर्ल्ड ओवर इट इज़ कमिंग डाउन, पानी बरसना कम हो जाएगा तो पानी ऊपर से जो नेचुरल वाटर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा और वो भी रन ऑफ हो जाएगा, तो एक समय आएगा जो बेसिक पीने का पानी नहाने का पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम वो सिचुएशन ना आए उसके लिए प्रोजेक्ट हमने दिया ऐसे लोगों को जो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द मनी, और उसको और इंश्योर करने के लिए ये इसमें क्या है कि यहाँ के लोग भी इस प्रोजेक्ट को अपनाएं, अपना समझें, इस ये समस्या इनकी है तो बाहर का कोई आदमी आके इसको हल नहीं कर सकता है।
अगर आपके घर में झगड़ा है तो मियां बीवी का झगड़ा मियां बीवी को आपस में सुलझाना होगा। हम आके रास्ता बता सकते हैं कि देखो ऐसे में गुस्सा मत करो, ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज कर ली जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेंटली उनको तैयार होना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि लोगों को ये सोचना होगा कि ये पेड़ काट के आने वाले दिनों में पीने का पानी नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन को चूज़ करना है, या हम ये जो पेड़ काट के ये जो कोई इलायची लगा रहा है, कुछ और वेजिटेबल्स लगा रहे हैं या जो भी कर रहा है, उसको बंद करें ताकि आगे चाहे रोजगार हमारा आज की तारीख में कम हो लेकिन हमारा फ्यूचर सेफ रहे, हमको कम से कम पीने का पानी मिले। सर, यू हैव विजिटेड द फील्ड टुडे, तो हाउ वल्नरेबल इज इन टर्म्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाटर? वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए तो पूरा सर्वे करना पड़ेगा, बट व्हाट आई हैव सीन, ये जो एक सैंपल्स हमने एरिया देखा जो दूर से बहुत बढ़िया ग्रीन कवर दिखता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ग्रीन कवर, मतलब ये ग्रीन तो है पर ये जो श्रब्स हैं से जो ये लार्ज कार्डमोम के जो प्लांट्स लगाए गए हैं ये श्रब्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं, ये पानी को भी नहीं रोक सकते, सॉयल इरोजन को भी बहुत लिमिटेड वे में रोक सकते हैं, और जो बादल बनेंगे जो पानी बरसेगा उसके लिए तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने मेजर्स बताए, एक तो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के जो इंजीनियरिंग जो क्या बोलेंगे जो टूल्स हैं वो तो यूज़ किए जाएंगे, इसके अलावा नेचुरल वेजिटेटिव कवर को बढ़ाना होगा। सर, तो कितने समय बाद ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन, बट अगर ये प्रोजेक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो कम से कम से ये जो टैंक हम लोगों ने देखा एंट्री पॉइंट पे, तो ये वाटर का कलेक्शन ये तो स्टार्ट हो जाएगा, ये तो कुछ इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी है, तो कम से कम विंटर्स में कुछ महीने तक तो पानी कंजर्व होगा, और इस तरह के कुछ स्प्रिंग्स तो इतने पुराने ड्राई अप हो गए होंगे शायद गांव के लोगों को प्रेजेंट जनरेशन को पता भी नहीं होगा, पर जब इसका और डीपर सर्वे करेंगे तो वो ग्रेडियंट के तौर पे वो वाटरशेड मिनी वाटरशेड और मिलेंगे, तो हो सकता है कि कुछ और स्प्रिंग्स आइडेंटिफाई होंगे, कुछ और छोटे टैंक्स बनेंगे, तो इमीडिएट फ्यूचर में भी कुछ फ़ायदे होंगे, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो वाटर टेबल बढ़ाना, वाटर रिचार्ज करना या ग्रीन कवर बढ़ाना, आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में अगर हमने पेड़ लगाए तो जो फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो फॉरेस्ट कवर बनने के लिए कम से कम 7-8 साल तो लग ही जाएगा। ओके, आज एक शुभ अवसर है हम लोगों के लिए, ऐसे भी हमारा ये आज दिरी का दिन है, आपातानी भाई बहनों का जो दिरी फेस्टिवल है, इसी के शुभ दिन में हम लोगों ने लॉन्च किया है स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एट पूजोराम विच इज़ फंडेड बाय नबार्ड। इम्प्लीमेंटिंग जो है नर्मा कर रहे हैं, फुल फॉर्म इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी ऑफ अरुणाचल। तो नर्मा इज एन एजेंसी जो एक्सपर्टाइज है इस ढंग का स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना, और पिन पॉइंटेंटली जहाँ पे ज़रूरत है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस पूजोरा में हम लोगों को ये रिपोर्ट मिला है कि यहाँ पे बहुत शॉर्टेज हो रहा है वाटर का, एंड स्कर्सिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका अर्जेंसी को देखते हुए हम लोगों ने लास्ट ईयर इसको सर्वे कराया और उसका प्रोग्राम वगैरह हम लोगों ने DPR वगैरह भी रेडी करवा करके आज जो है उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम कराया, वेयर GM नाबार्ड हैज़ कम एंड द प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय ऑनरेबल मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी होम एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ताबा तदर जी एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नर्मा के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल जानना हो तो नर्मा इज एन यूनिट, एज ए यूनिट इसके जो है डिस्ट्रिक्ट पे उसका PIU है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट है,
एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग दैट वन एंड दिस प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम आता है वो जो सेलेक्ट करके हमारा जो है PIU जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास सबमिट करते हैं जो एक सर्कल लेवल पे है 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को वो देखते हैं आफ्टर दैट देन प्रोजेक्ट सेलेक्शन कमिटी के पास आता है वहाँ से हम लोग उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं सेलेक्शन करते हैं एंड देन वी फर्दर उसको टेकअप करते हैं नाबार्ड एनी फंडिंग एजेंसी नाबार्ड हो या NEC है डोनर है जहाँ फिजिबल है वहाँ हम लोग जो है फंडिंग सोर्स के लिए हम लोग जाते हैं।